अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद आसम। आज हम क्लास मजतुम की अरबी का सबक पढ़ेंगे। सूरत यासीन है। सूरत यासीन की आयत नंबर 81 से 83 तक का सबक आज हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم। गुज़िश्ता सबक में कुफार के बास बादल मौत के इनकार को अल्लाह ने बड़े मुफस्सल अंदाज में रद्द किया था। एक काफिर मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का इनकार करते थे, क़यामत का इनकार करते थे। उनके इस इनकार को अल्लाह ने बड़े आसान अंदाज में रद्द कर दिया था और अल्लाह ने अपनी कुदरत की चंद निशानियां भी बयान फरमाई थी। एक निशानी अल्लाह ने ये बयान फरमाई कि ऐ इंसानों, तुम अपनी असल को देखो, तुम अपनी इब्तिदा को देखो कि हमने तुम्हें किस चीज़ से पैदा किया। फरमाया, हमने तुम्हें एक नुत्फे से पैदा किया, पानी के कतरे से तुम्हें पैदा किया। जो अल्लाह तुम्हें एक नुत्फे से पैदा कर सकता है जबकि तुम कुछ भी नहीं थे, कोई चीज़ भी नहीं थी, बगैर चीज़ के और पानी के कतरे से अल्लाह ने तुम्हें पैदा कर दिया है, तो तुम्हारे मर जाने के बाद, तुम्हारी हड्डियाँ गल जाने के बाद अल्लाह तुम्हें दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसी तरह दूसरे लफ्जों में अल्लाह जल्ला जलालुहु ने दूसरी जो निशानी बयान फरमाई थी कि हमने अल्लज़ी जअला लकुम मिनश्शजरी अख़ज़री नारा फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तुक़रिज़ून, कि हमने सरसब्ज़ दरख्त से आग को बनाया तुम्हारे लिए। कि सब्ज़ दरख्तों से, एक तो सब चीज को आग नहीं लगती, फिर सब्ज़ दरख्तों से। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि अरब के अंदर अल्लाह ने दरख्त पैदा किए हैं, उनकी दो टहनियों को तोड़कर आपस में रगड़ते थे तो उससे आग निकलती थी और आग जलाते थे होते हैं। तो वो अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया। जो अल्लाह ये काम कर सकता है, वो अल्लाह तुम्हें दोबारा जिंदा करने का भी कादिर है। उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। आज के इस सबक में अल्लाह जल्ला जलालहू अपनी कुदरत की एक और निशानी और एक और चीज़ बता रहे हैं कि जो अल्लाह आसमानों और ज़मीनों को पैदा कर सकता है, वो तुम्हें दोबारा जिंदा करने पर भी काबिल है। इतना बड़ा आसमान देखें आपके सामने, अल्लाह ने कैसे खड़ा किया हुआ है बगैर सुकून के। हम एक कमरे की छत ऐसे बगैर किसी सहारे के खड़ी नहीं कर सकते। अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान जो है खड़ा किया हुआ है। और जमीन को देखो, पानी के ऊपर अल्लाह ने इस जमीन को बिछाया हुआ है। तो ये सारी चीजें अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं कि जो अल्लाह इतने बड़े आसमान को बगैर सुकून के खड़ा कर सकता है, इतनी बड़ी जमीन को और जमीन के ऊपर तमाम पहाड़ों को, हर चीज को पानी के ऊपर बिछा सकता है, वो अल्लाह तुम्हें दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। अल्लाह के लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है। तो इस आयत का हम तर्जमा पढ़ते हैं। अवलिसल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल-अर्ज़ा बिक़ादिरीन अला अन यख़लुक़ मिथ्लहुम, भला जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि उनको फिर वैसे ही पैदा कर दे। जिसने आसमान और खलक़ अस्समावाति वल-अर्ज़, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, बिक़ादिरीन अला अन यख़लुक़ मिथ्लहुम, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है कि तुम्हें इस जैसा फिर पैदा कर दे जैसे तुम अब हो। फरमाया, बला, हाँ क्यों नहीं, वो है दोबारा पैदा करने पर अल्लाह कादिर है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। वो अल्लाहुल अलीम, वो तो बड़ा पैदा करने वाला है और जानने वाला है। तुम्हें इब्तिदा में पैदा कर दिया। एक किसी भी चीज को इब्तिदा बनाना, पैदा करना मुश्किल काम होता है, दोबारा उसकी मरम्मत करना इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो अल्लाह ने जब इब्तिदा में तुम्हें पैदा कर दिया, तुम्हें इस दुनिया में भेज दिया,
तो दोबारा पैदा करना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैयान अन यकूल लहू कुन फयकून, ये आयत नंबर 82 है। इस आयत में अल्लाह जल्ला जलालहू ने फरमाया कि अल्लाह की कुदरत का तो ये आलम है कि अल्लाह जब भी किसी काम के करने का इरादा करता है तो अल्लाह को किसी ज़ाहरी असबाब की, किसी मिस्त्रियों की, मजदूरों की या किसी औजार की अल्लाह को ज़रूरत नहीं हुआ करती। अल्लाह की कुदरत का ये आलम है कि अल्लाह जब भी कोई काम करते हैं तो अल्लाह सिर्फ कुन का लफ्ज़ कहते हैं, कुन के हो जा, वो काम हो जाता है। तो दोबारा पैदा करना अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल होगा। अल्लाह जल्ला जलालुहु हर काम में सिर्फ लफ्ज़ से कुन इरशाद फरमाते हैं कि हो जा। ये तो ज़ाहरी असबाब या ज़ाहरी चीज़ें हैं कि फरिश्ते हैं, मुकर्रर किए हुए हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में हर चीज़ देख रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। फलां काम अल्लाह ने फरिश्तों को कहा, ये काम जो है वो 6 दिनों में अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को बनाया। तो ये सारी चीज़ें इंसानों के लिए हैं कि काम में जल्दबाजी ना करें, ऐसा ऐसा जो काम है वो आपने मुकम्मल करें, वरना अल्लाह जल्ला जलालहू जो है इन चीज़ों के भी मोहताज नहीं है। अल्लाह जल्ला जलालहू को सिर्फ अल्लाह से कौन कहते हैं और वो काम हो जाता है। सुभानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन, सो पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में बादशाहत है, हर चीज़ उसी के हाथ में है। कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन, और इसी उसी की तरफ ही तुम सामने लौट कर जाना है, उसी अल्लाह के सामने हमने पेश होना है, उसी अल्लाह की तरफ हमें अपने तमाम आमाल की जवाबदेही करनी है। तो इसलिए इस दुनिया में हम वो काम करें जिससे कल क़यामत के दिन हमें परेशानी ना हो, कल क़यामत के दिन हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तमाम लोगों के सामने, तमाम अंबिया के सामने हमें शर्मशारी ना हो, अल्लाह की तरफ लौट कर जाएँ। तो हम दुनिया में ऐसे आमाल करें कि फिर वहाँ का जो मामला है वो हमारे लिए आसान हो। तो ये बेटा की आयत 81 से 83 तक हमने ये आयतें पढ़ी हैं, आपने इनको याद करना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे दुआए हाजत है, दुआए हाजत मुकम्मल कल के लेक्चर में आपको बता दी थी, पढ़ा दी थी। अब उसका तर्जमा है आपके नोट्स में, वो दुआ भी मौजूद है, उसका तर्जमा भी मौजूद है, वहाँ से देख के आपने उसका तर्जमा करना है। तर्जमा मैं एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो बुर्दबार और करम फरमाने वाला है। अल्लाह पाक है, वो आर्शे अज़ीम का मालिक है। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहानों का पालने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे उन चीज़ों का सवाल करता हूँ जो तेरी रहमत को वाजिब करने वाली और तेरी मगफिरत को लाजिम करने वाली है। हर भलाई में हिस्सा और हर गुनाह से सलामती चाहता हूँ। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाह को माफ़ कर दे और हर दुख और गम को दूर कर दे और मेरी हर उस हाजत को पूरा फरमा जो तेरी रजा के मुताबिक है। ऐ रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले। ये आयत दुआए हाजत का तर्जमा है, दुआए हाजत कल पढ़ा दी थी, उसका तर्जमा आज पढ़ दिया है, पढ़ा दिया है। इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। अल्लाह पाक आपका और हम सब का आमीन नासिर हो। वस्सलाम अलैकुम। Today we are studying about English of our grade 8. First of all, now Dilai, Unit 12, Objective, Question A, B or C, plus Essay, Morning Walk, Half. Now, let's. Unit 12, page 72 of book. First of all, Question A we have, give the rhyming words for the following. For example, rhyming word, होते क्या है? हम काफिया के पास, हम आवाज़ के पास। उनकी आवाज़ सेम होती है जबकि उनके स्पेलिंग चेंज होती है। लाइक इज फॉर एग्जाम्पल थिंग सुप्रीम गे से कोल्ड गोल्ड ऑनवर्ड वर्ड फूल कूल ब्राइट वाइट सी एंड बी। नाउ लुक क्वेश्चन बी ऑन द पेज नंबर 72. Finding words
in each of the following sentences that sound the same but not mean the same thing. क्वेश्चन नंबर बी में हमें उन्होंने बताया कि नीचे आप लोगों के पास सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें से तलाश कीजिए वो अल्फाज जिनकी आवाजें तो एक जैसी हैं लेकिन उनके मीनिंग सेम नहीं है. लाइक दिस, नंबर वन, द गर्ल लुक पेल व्हेन शी हैंडेड हर मदर द पेल ऑफ वाटर. इस सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ड सेम आवाज के हैं, लाइक P-A-L-E पेल, P-A-I-L पेल, जबकि इन दोनों के मीनिंग चेंज हैं. इस पेल का मीनिंग है रेड और P-A-I-L का मीनिंग है बाल्टी. नंबर टू, द पॉलिसमैन कुड सी ओनली फोर फिश इन द सी वाटर. इस सेंटेंस में हमारे पास टू टाइप्स के सी आए हैं, एक है एस डबल ई सी देखना, एक है एस ई ए सी समंदर. Number 3, yesterday I read a story about a boy on a red bicycle. इस सेंटेंस में हमारे पास दो रेड हैं, लाइक R E A D सेकंड फॉर्म पढ़ी, R E D रेड सुर. नंबर 4, where would you see a horse made of wood? इस सेंटेंस में हमारे पास दो वुड हैं, एक W U L D वुड होगा, एक W double O D वुड लकड़ी. Number 5, the angry husband threw everything out through the window. इस सेंटेंस में हमारे पास threw, T-H-R-E-W फेंकी, T-H-R-O-U-G-H के जरिए. ये दो सेम आवाज के वर्ड्स हैं बट स्पेलिंग यहाँ पे इनके चेंज हैं. Number 6, the H-A-R-E here is running here and there. इसका मीनिंग खरगोश जबकि इसका मीनिंग यहाँ है. Clarification is completed now. Question number C, look page number 73 of the book. Question, find out concrete and abstract noun from the given word pair. Concrete noun or abstract noun आपने इस option में से choose करने हैं और इन blocks में write करने हैं. Concrete noun होते क्या हैं? Concrete noun वो nouns हैं जो हमें नजर आते हैं. Concrete noun are those names that we can touch, see and feel it. But abstract noun are those names that we cannot touch. Concrete noun. यहाँ से हम choose करेंगे like river, rainbow, book, picture, picture, pool and sea. Abstract noun. Love, kindness, happy, shyness, friendliness, sadness, illness. इससे आपको पता चला ये वाली जो चीजें हैं सबको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, जबकि ये सारी चीजें हम जस्ट फील कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसे मॉर्निंग वॉक हाफ नोट्स पेज नंबर 30. प्लीज लुक, इट इज एन ओल्ड सेइंग, ये पुरानी कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी सोना और जल्दी जागना मेक्स अ मैन इंसान को बना देता है हेल्दी, सेहतमंद, वेल्दी, बल्कमंद एंड वाइज और दाना. हेल्थ इज अ ग्रेट वेल्थ, सेहत एक बहुत अच्छी बहुत अजीम दौलत है. अ साउंड बॉडी सेहतमंद जिस्म है, हैज अ साउंड माइंड एक सेहतमंद दिमाग होता है. द सीन बिफोर द सनराइज, तुलुए आफ्ताब से पहले का मंजर, इज वेरी चार्मिंग बहुत दिलकश होता है एंड अट्रैक्टिव और बहुत पुरकशिश भी. टू एंजॉय द ब्यूटीफुल नेचर, कुदरत की कुदरत कुदरत की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने एंड टू इम्प्रूव माय हेल्थ और अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आई गेट अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ. आई ऑफर माय मॉर्निंग प्रेयर, मैं सुबह की नमाज अदा करता हूँ. देन आई मेक माय फ्रेंड्स गो फॉर वॉक और अपने दोस्तों के साथ सुबह की सैर के लिए चला जाता हूँ. टू द कैनल, नहर की तरफ, विच फ्लोज जो बहती है एट द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी, शहर से 1 किलोमीटर के फासले पर. द कूल एंड फ्रेश मॉर्निंग, सुबह की ठंडी और ताज़ा साफ सुथरी ब्रीज हवा रिफ्रेशिंग अस, हमें तरोताज़ा ताज़ा दम कर देती है.
It is your lecture. After learning, you will bound, you will must write on the rough notebook. Okay, till then, be Amaniya. Assalamu alaikum, dear student. I am Sir Zia, teacher math, grade 8th. सब्जेक्ट मैथ है, एक्सरसाइज नंबर 6.11। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एलिमिनेट वी आई फ्रॉम द इक्वेशन। ये 2 इक्वेशन आर गिवन, इनमें से हमने वी आई जो है वो एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मीन इसको हमने ख़त्म करना है। आपने पीछे बहुत से मेथड पढ़े होंगे एलिमिनेशन के, लेकिन यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, एलिमिनेट वी आई फ्रॉम द इक्वेशन, वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन है। इनमें से हमने वी आई जो है ये एलिमिनेट करना है। तो हम सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 को देखते हैं। क्वेश्चन 1 में वी आई है, इसको हम जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे। वी आई को वैल्यू निकालने का मतलब वी आई को एक साइड पे करेंगे, बाकी सारी चीज़ें ये मैंने दोबारा से राइट की है। क्वेश्चन 1 वी आई के साथ ए टी प्लस हो रहा है, इसको मैंने ये लेफ्ट साइड पे ले आया हूँ। इसका साइन इधर प्लस था, जब इधर आई तो माइनस ए टी हो गया, वी एफ माइनस इधर रह गया वी आई। इसको मैंने ये सीधा करके लिख लिया है, वी आई इज इक्वल टू वी एफ माइनस ए टी। ये मेरे पास वी आई की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ वी आई इन इक्वेशन 2। क्वेश्चन 2 मेरे पास जो है वो ये है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसमें मैंने वी आई की जगह वी एफ माइनस ए टी राइट कर देना है। एस वैसे लिखा, आगे इक्वल वी एफ, वी एफ की वैल्यू पुट की है, वी एफ माइनस ए टी वैल्यू पुट होगी। टी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर सेम ऐसे लिखा है, टी अंदर मल्टीप्लाई हो गया, वी एफ टी माइनस ए टी है, टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए टी स्क्वेयर हो जाएगा। प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर वैसे ही राइट किया है। अब मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे 2 है। ये एलसीएम लिया है 2 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इनके नीचे 1 है। और जब इसको 2 पे डिवाइड करूंगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। तो यानी 1 को जब ए टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए टी स्क्वेयर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 लाइक टर्म हैं, माइनस 2 ए टी स्क्वेयर प्लस ए टी स्क्वेयर, ये आपस में माइनस हो सकती हैं। माइनस किया तो मैंने ये आ गया माइनस 1 ए टी स्क्वेयर। माइनस का साइन क्यों लगाया, बड़ी रकम का साइन जो है वो माइनस का है। उसके बाद वी एफ टी वैसे लिखा हुआ है, ये मेरे पास आ गया। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, आप जानते हैं जब 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये वैसे ही बाकी मैंने 2 वी एफ टी माइनस ए टी स्क्वेयर लिखा है। यहाँ पे टी कॉमन आ रहा है इन दोनों में, टी कॉमन ले लिया है, इधर 2 वी एफ रह गया, इधर माइनस ए टी रह गया। अब देखें इस इक्वेशन में वी आई जो है वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, वी आई कहीं नज़र, इसका मतलब वो एलिमिनेट हो गया है, और यही हमारा मकसद था। वो इट इज़ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन और यही आंसर है। इसी तरह से सेम क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो 6.12 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, सॉरी एक्सरसाइज 6.11 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट सेम इसी तरह से है। वी आई आप निकालेंगे, उसमें सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वो मैं नहीं कर रहा, आप खुद आप घर में इसको ट्राई करेंगे। उसके बाद है रिव्यू एक्सरसाइज
रिव्यू एक्सरसाइज 6, नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इलिमिनेट एक्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे उसने मेथड लगाने पे फोर्स कर दिया है, इस मेथड से हट के हम कहीं नहीं जा सकते। मैं दोबारा बता दूँ, रिव्यू एक्सरसाइज अपनी ओपन करें, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का फर्स्ट पार्ट मैं करूँगा, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। इलिमिनेट एक्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये दो क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, ये भी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट किया था ये भी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही किया था, और ये इसने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कहा है, वही मेथड है जो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में लगा है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन गिवन है, ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, सी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स इक्वल टू जीरो, ये सेकंड इक्वेशन है। मैं इक्वेशन 1 को लेता हूँ, ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो। अब एक्स एलिमिनेट करना है, तो जो भी एलिमिनेट करना हो उसकी वैल्यू हम एक तरफ लेते हैं, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, इसमें बी सबसे पहले इसको जो है वो राइट साइड पे आप लेकर आएंगे, इसका साइन माइनस है, जब इक्वल के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद ए एक्स इक्वल टू बी बचा मेरे पास, ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अब ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई है, यही वैल्यू मैंने क्वेश्चन 1 से निकाली है, क्वेश्चन 2 में पुट कर दूंगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन 3 इन क्वेश्चन 2, इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू क्वेश्चन 2 में पुट कर दें, जहां ये दो जगह पे एक्स है, इसमें वो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बी ओवर ए एक्स की वैल्यू है, अब एक्स के ऊपर स्केयर है तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी स्केयर आएगा, प्लस एम एक्स की वैल्यू बी ओवर ए इक्वल टू जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ये स्केयर मैंने ओपन किए हैं, बी के ऊपर स्केयर अलहदा आ गया, ए के ऊपर स्केयर अलहदा आ गया, सी साथ बी के मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह इधर कुछ भी नहीं था तो एम बी आप उसमें मल्टीप्लाई होकर ए आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम, ये जीरो वैसे आ गया, एलसीएम ए स्केयर आ रहा है क्योंकि ये इस पर भी डिवाइड हो रहा है, इस पर भी डिवाइड हो रहा है, तो ए स्केयर एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने के बाद आपको पता है हम क्या करते हैं, इसको इसके ऊपर डिवाइड करते हैं, एलसीएम के ऊपर जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये इससे याद रखें, सिंपल मेथड है, जब सेम होगा एलसीएम और डिनोमिनेटर तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो सी बी स्केयर बचेगा, मैंने इसको अरेंज करके जो है बी स्केयर सी लिख दी है। यहाँ पे ए इसको डिवाइड करेंगे तो ए आंसर आएगा, ए स्केयर डिवाइडेड बाय ए, तो ए ए कैंसिल हो जाएगा, एक ए बचेगा मेरे पास, वो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे ए स्केयर इन दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो मैं आसानी के साथ इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया ज़ीरो के साथ, जब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो वो ज़ीरो हो गया है, तो बी स्केयर प्लस सी, ये वैसे लिखा है ए एम बी, ये हमारा आंसर आ गया है, इसमें हमें एक्स कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, इट्स मीन एक्स जो है वो एलिमिनेट हो गया है और इट इज़ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। लेक्चर एंड हो गया है, आपका होमवर्क है, आपने इसका क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह से है, आप खुद इसको सॉल्व करेंगे, और इसी तरह एक्सरसाइज 6.11 के क्वेश्चन नंबर 2 के भी पार्ट हैं, वो आप खुद ट्राई करेंगे, सेम यही मेथड है दोनों क्वेश्चन। ओके, अल्लाह हाफिज़। I am your teacher of history and geography for grade 8. Now we are going to study geography, bab number 9, pasmandagi ke masail. जैसे कि हम पहले पढ़ रहे थे पसमानदा ममालिक के माशर्ती मसाइल के अंदर है। हमने कल के चैप्टर में इसके तीन पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, तीन पॉइंट्स में पढ़ लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट्स आ रहे हैं मुआशी और मुआशर्ती बदलमानिया। नेक्स्ट हमारे पास मुआशर्ती तफावत, और फिर उसके बाद हमारे पास है कदीम और मरसूदा नजरियाती पैरवी। पहले हमारे पास आ जाता है मौशी और मौशरती बदलमानिया। बदलमानिया इस तरह करप्शन, यानी हर छोटे से छोटे लेवल पे और बड़े से बड़े लेवल पर छूट के साथ काम करना, हर चीज़ में ख्याल करना।
आपको कोई भी काम दिया जाए आप उसमें ईमानदारी ना दिखाएं वो करप्शन में आ जाती है, वो मुआशरती बदगुमानी में आ जाती है। जैसे एज वर्स आपने तलबा होने की हैसियत से टीचर आपको क्लास में काम देती है करने के लिए, हम कह रहे होते हैं याद कर लें याद कर लें, आप क्या कह रहे होते हैं हो गया हम कर रहे हैं हम याद कर रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं आप पढ़ नहीं रहे होते, आप डिस्कस कर रहे हैं उसमें बातें कर रहे होते हैं, उसमें ये होता है जब हम आपसे कहते हैं सुनाएं फिर अभी तो हमने याद किया ही नहीं है अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, यानी छोटे से छोटे लेवल पर भी हम करप्शन दिखा रहे होते हैं, वो हमारी माशर्ती बदगुमानियाँ होती हैं जो हमारे मुल्क के मुल्क को पसंदा बनाने में अहम किरदार अदा करती है। उसके बाद क्या आ जाता है ये चीज़ें जो है बढ़ती बढ़ते हर बड़े लेवल पर किसी को काम दिया जाता है करने के लिए उसमें हेल्प कर देते हैं, किसी को कोई अमानत करवाई जाती है, जैसे आपके पास भी कोई आपका दोस्त कहता है बताता है कि मैं ये आपकी चीज़ शेयर कर रहा हूँ, आपने आगे किसी से डिस्कस नहीं करना, लेकिन क्या करते हैं आप उस बात को आगे डिस्कस कर देते हैं, आपने उसकी बात के अंदर ख्यालत कर दी, यानी कि हमारे साथ जो है वो माशर्ती बदगुमानी में शुमार हो जाती है। ये माशर्ती बदगुमानियाँ जेरे हालात हमारे असरात होते हुए ये हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा पसमानदगी की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है माशर्ती तफावत, तफावत भी क्या है वर्ड फ़र्क करने से, यानी फ़र्क करते हैं माशरे में हम फ़र्क करते हैं, किस चीज़ में फ़र्क करते हैं, हम रंग नस्ल में फ़र्क करते हैं, हम जात पात में फ़र्क करते हैं, हम अमीर गरीब में फ़र्क करते हैं, हम छोटे बड़े में फ़र्क करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर घर में एक बड़ा बेटा पैदा हो गया, अब वो चीज़ जो ये तो बड़ा है इसलिए इसकी रिस्पेक्ट करो ये करो वो करो, छोटा है तो छोटा है तो उसकी केयर करो, ऐसे है तो वैसे हम प्रॉपर अपनी राजनीति बराबरी का शुरू नहीं करते, हर चीज़ में जब हम फर्क करना शुरू करते हैं तो आगे से आगे काम बढ़ता चला जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हिंदू भाषा चार सातों के निज़ाम में बटा हुआ है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार उनकी जाते हैं, उन्होंने अपने उस निज़ाम को चार सातों के अंदर ही झगड़ा हुआ है उस निज़ाम को, जिसके तहत उनका माशरा जो है वो उन निज़ाम से निकलने के बाहर के लिए कुछ चीज़ नहीं करता और वो पसमानदगी की तरफ चलते चले जाते हैं। और फिर क्या हो जाता है कि बहुत ये फर्क जात पात के फर्क से निकल के अमीर गरीब के फर्क के दरमियान भी आता है, क्योंकि हम अमीर हैं इसलिए हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप गरीब हो इसलिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये चीज़ें भी बड़े काम होती हैं इस फर्क को बढ़ाने में। तो ये भी हमारी माशर्ती बदगुमानी में और हमारे माशर्ती मसाल में माशर्ती तफावत बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है पसमानदगी को बढ़ाने में। और बस नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि दी और परसुदा नजरियात की तैयारी, यानी पुरानी नजरिया पुराना रवैया पुरानी ही फैला हमारे, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे अबाउजदार हिंदुस्तान में रहते थे, वहाँ पर क्या था वहाँ पर रहने के साथ साथ हमने उनकी चूंकि वो वहाँ पर उन लोगों के साथ रहते थे इसलिए उनके कुछ ख्याल और कुछ नजरियात उनके अंदर भी आ गए। जिसमें एक छोटी सी एग्जाम्पल कोट करते हैं, हमारे इस्लाम मजहब में शादी के रस्म और रवाज नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से निकाह है, निकाह का मतलब है उसमें कोई धूम धड़का नहीं है, किसी किस्म की मसूलियात नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे बाबूदार बड़े शरीर में रहते थे हिंदुस्तान हिंदुओं के साथ रहते हैं तो वहाँ से उन्होंने बहुत सी चीज़ें अडॉप्ट करी, जिसमें मेहंदी पर खर्च करना बरात पर खर्च करना उन्हें मैं बहुत धूमधाम करना हर तरीके से खर्च करना, ये क्या हो गया हमारे पास परसुदा नजरियात हमें प्यारे शुरू करते हैं। और ऐसे ही हिंदू लोग क्या करते हैं जब तक उनके पास जहेज के पैसे नहीं होंगे जहेज देने के लिए उनके पास रकम नहीं होगी उन्हें कुछ जहेज में अच्छी से अच्छी गाड़ी देने के लिए उनकी शादी नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी जो फैमिली में बच्चियाँ हैं वो बूढ़ी होती चली जाती हैं और वो अपने ख्याल से हटने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन इतनी परसुदा नजरिया जो है उनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में उनकी रुकावट पैदा करते हैं और उनका वो बजाय आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा पसमानी की तरफ चला जाता है। तो बजाय हम अपने ख्याल को बदलें कि लोग ख्याल को बदलने के लिए तैयार भी नहीं होते, उनका यही कोशिश होती है कि हमारी जो रवायत है वो आगे से आगे अगली से अगले स्तर पर ट्रांसफर होते चले जाए और हम उसको जाए खत्म करने की मजबूती लेके आते हैं उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे वो पसमानगी की तरफ लेके जाती है, जबकि हमें हैसियत एक अच्छे मुआशरा बनाने की एक अच्छा शहरी होने के हमें इन रवायात को खत्म करना है और इन रवायात में ये फर्सुदा नजरियात को माशरती बदगुमानी को और जो नस्ल का और जात पात का जो फर्क है उसको खत्म करना है ताकि हमारा मुल्क है उधर की तरफ बढ़ सके। तो ये आपके आज के पॉइंट्स हैं आपके आज की डायरी है जिसको आप डायरी से लर्न करेंगे और नेक्स्ट हम इसको अच्छे से और कम्प्लीट करेंगे। ये हमारे साथ अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आई एम अब्दुल माजिद साइंस टीचर, वी आर स्टडिंग साइंस ऑफ 8th क्लास।
टुडे डायरीज पेज 130 to 134 रीडिंग प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस 5. प्रीवियसली आपने दो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें भी हमारे पास एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के जो इफेक्ट थे वो आपने स्टडी किए थे. आज मजीद जो है उसकी रीडिंग और शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग से पहले एक बात, एक टॉपिक था प्रीवियसली हमने छोड़ा था, वो था बाइमेटेलिक स्ट्रिप. उसके बारे में जानेंगे ताकि उसका जो इस्तेमाल है वो आगे शो होता है. बाइमेटेलिक से नाम से जाहिर है, बाई से मराद टू, मेटेलिक से मराद मेटल से बनी हुई एक स्ट्रिप होती है. दो मेटल्स, एक ब्रास होती है दूसरा होती है आयरन, दोनों की रेट ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट होती है. अब होता क्या है, जब सेम टेम्परेचर के ऊपर दोनों हीट की जाती हैं तब जो है एक का रेट ऑफ एक्सपेंशन बढ़ने के ज़्यादा होने की वजह से वो दूसरी को उस दूसरी तरफ क्या कर देती है, बेंड कर देती है. मतलब कि जिस तरह हमारे पास अगर यहाँ पे देखा जाए एक बायमेटेलिक स्ट्रिप है, रेड में ऊपर मैंने शो किया है, नीचे दूसरी शो की है ब्लू में, और जो यहाँ पर अगर हीट करें, हीट किया हमने, तो होता क्या है इसका रेट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा होने की वजह से ये इस चीज़ को दूसरी तरफ धकेलेगी और ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी. इसका मतलब है कि हीट होने पर बाइमेटेलिक स्ट्रिप क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है. इस फिनोमिना को डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल किया गया है. नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिक आयरन. रीडिंग में आप देखेंगे इलेक्ट्रिक आयरन बनी होगी, वहाँ पे बाइमेटेलिक स्ट्रिप का जो है वो यूज़ है. बायोमेटेलिक स्ट्रिप किस तरह काम करती है, आपने जब इलेक्ट्रिक आयरन ऑन करते हैं, उसका स्विच लगा देते हैं, तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है. इसके पीछे क्या फिनोमिना है, इसके अंदर पीछे कोई सेंसर नहीं होता, इसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप काम करती है. किस तरह करती है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप एक कॉइल के साथ अटैच होती है. होता क्या है, वो कॉइल जब हीट हो जाती है तो हीट होने के साथ साथ वो अटैच होती है बायोमेटेलिक स्ट्रिप के साथ, बायोमेटेलिक स्ट्रिप भी साथ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है. अब वो कनेक्ट होती है एक पतरी के साथ, दूसरी वायर के साथ, ठीक है. जैसे ही वो बेंड होती है वो उसके से डिसकनेक्ट हो जाती है और वहाँ से आपकी जो आयरन है इस्त्री है वो बंद हो जाती है, ठीक है. इसी तरह ये काम करती है. नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है फायर अलार्म. होता क्या है, जब ये बहुत सारी बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होता है, जैसे ही कोई आग जलती है या हीट ज़्यादा हो जाती है, होता क्या है वहाँ बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेंड होने की वजह से जो है कनेक्ट हो जाती है. यहाँ पे डिसकनेक्ट होती थी, यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है जिससे अलार्म ऑन हो जाता है. यहाँ पे डायग्राम आप देख रहे हैं, सिंबॉलिकली डायग्राम बनाई गई है. ये सिंबल है बेल का और ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप है और ये हमारे पास बैटरी है. जैसे होता क्या है, ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप जैसे ही हीट अप होती है तो ये नीचे की तरफ झुक जाती है और इसके साथ कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ जाती है, जिससे बेल जो है वो चलना शुरू हो जाती है. नेक्स्ट हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, इसमें हमारे पास एक्सपेंशन गैप्स इन कंक्रीट रोड, आपने इसको रीड आउट करना है. रेलवे ट्रैक, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये रेलवे ट्रैक वाला है, आपने इसको याद करना है. इनके दरमियान में गैप्स छोड़े जाते हैं, क्यों छोड़े जाते हैं वो आपने रीडिंग में अच्छी तरह इसको पढ़ लेना है. इस बार एक्सपेंशन ऑफ ब्रिजेस है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ओवरहेड पावर लाइंस एंड टेलीफोन वायर्स, ठीक है. इनके तारों के दरमियान में थोड़ा सा झूल दी जाती है, थोड़ी सा ढील दी जाती है ताकि सर्दियां आने पे कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो टूट ना जाएं. इसके बाद लार्ज बैंड एंड पाइप्स के दरमियान में एक बैंड दिए जाते हैं. ये आपकी डायरी है, इसको आपने अच्छी तरह रीड आउट करना है. टेक केयर, अल्लाह हाफिज. Meet your Islamic teacher of the grade. Open your Islamic book. Unit Talukat mein munafiqat se ishtila. Talukat hai hamare relations. Hamara dusron ke saath vasta. Munafiqat ka matlab hai ek insaan ka andar se kuch aur bahar se kuch hona. लोगों के सामने अपने आप को और तरह से पेश करना जो कि उस इंसान की हकीकत नहीं है, इसे कहते हैं मुनाफ़त. इज्तनाब का मतलब है इससे बचना, क्योंकि इंसान को मुनाफ़त से ज़ाती नुकसान भी होते हैं और इससे माशरे को भी नुकसान होता है, मौत और मिल्लत को भी नुकसान होता है इंसान के सिंसियर ना होने की वजह से. हमारा आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये है मुनाफ़िकाना तर्ज अमल के 5 नुकसान बयान करें. तर्ज अमल का मतलब है तरीका का,
यानी जो इंसान मुनाफिक है, उसे ऐसे कौन से पांच नुकसान होते हैं जिससे वो भी सफर करता है और उसके साथ माशरा भी। इसमें फर्स्ट टू हम लर्न कर चुके हैं, थर्ड से आज हम स्टार्ट करेंगे। नंबर थ्री में हमारे पास है, सबसे पहले तो मुनाफ़त करने वाले को ज़ाती तौर पर इस दुनिया में बहुत से नुकसान होते हैं। वो अपना एतबार खो देता है, लोग उस पर भरोसा नहीं करते। उसकी वजह यह है कि लोग आपके जाहिर को सिर्फ आपके सामने देखते हैं, आपकी गैर मौजूदगी में आपके करैक्टर पर भरोसा किया जाता है, यानी कि आपका किरदार कैसा है, और बहुत जल्दी लोग जज कर लेते हैं कि आप उनके साथ सिंसियर नहीं हो। इस पर कोई एतबार नहीं करता, जिसकी वजह से इसके बहुत से काम रुक जाते हैं, और वो कारोबारी शख्स हो तो फिर कारोबार तबाह हो जाता है, लोग उस पर एतबार नहीं करते, इसीलिए उसके साथ लेन देन के मामला को अच्छे तरीके से लेकर नहीं करते। अगर वो साइंसदान है तो उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाता है, दोस्त रिश्तेदार उससे नफरत करने लगते हैं, क्योंकि आप झूठे बनकर कब तक जिंदगी गुजार सकते हैं, एक ना एक दिन तो उनके हाल सबके सामने आ जाएगी और वो माशरे में नफरत और हकारत की अलामत बन जाता है, लोग उसका नाम रखते हैं, वो झूठा, वो फला। इसी तरह से जब किसी इंसान के अंदर जो खूबियां होती हैं तो उन्हीं खूबियों से मुतालिफ करवाया जाता है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इमानत का पास रखा और बाद में सच्चाई कायम करते थे, नॉन मुस्लिम भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लकब से याद किया करते थे। नंबर फोर, अफराद की मुनाफ़त माशरे को भी नुकसान पहुँचाती है। जब लोग आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रखते, एक दूसरे पर एतबार नहीं करते, तो टीम वर्क में कमी पैदा हो जाती है, जिससे टीम वर्क खराब होता है। जब माशरे के लोगों का जाहिर और बातिन एक ना हो तो उनका बाकी एतमाद भी खत्म हो जाता है। एक साथ काम करने वाले लोग जब एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते या एक दूसरे को दोष देते हैं, उसमें क्या होता है, रिजल्ट खराब होता है। ऐसा माशरा अमन और खुशहाली से पहले होता है, क्योंकि सब मिलकर काम करें, एक दूसरे पर एतमाद करें और अपने काम को मुकम्मल भी करें, उसमें कहीं ना टकराए, तभी हम अच्छा रिजल्ट ले सकते। मुनाफ़त ये जाहिर करती है कि इंसान अपने आप को खोखला और झूठा समझता है, यानी वो जानता है कि मेरे अंदर की कमी है, इसी वजह से वो अच्छा बनने का लिबाफा होता है, वो एक्टिंग करता है, उसकी हकीकत नहीं है, लोगों को अच्छा बनकर दिखाता है। ऐसा शख्स धोखा देकर ये समझता है कि वो लोगों का एतमाद जीत रहा है, हालांकि ये हकीकत नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुनाफिक शख्स अल्लाह ताला को और अहले ईमान को धोखा देता है, वो समझता है कि वो धोखा देता है, हकीकत में वो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि हम गुनाहगार हैं और आखिरत में अल्लाह ताला के अज़ाब के हकदार बनेंगे, ये जानते बूझते गुनाहगार इंसान गुनाह में और आगे बढ़ता जाए तो और संगीन जुर्म है और इससे भी बुरी सजा अल्लाह ताला ने उसकी मौत में। नंबर फाइव है, मुनाफ़त से मुल्क और मिल्लत को भी नुकसान होता है, क्योंकि माशरा अफराद के किरदार से बनता है, कौमों की बरादरी में जिल्लत और रुसवाई हो जाती है। जब एक दूसरे को अच्छे तरह से समझ नहीं पाते, एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते, तो गैर मुल्की तजारत बहुत नुकसान होता है, बरामदात मुतासर होती है, बैरूनी तजारत कम हो जाती है, कौमी तरक्की रुक जाती है, वो सर्कल यहीं पर स्टॉप होकर बैठ जाता है जहाँ पर आप होते हैं, भटका नहीं, सड़कें तबाह हो जाती हैं और बेरोजगारी बढ़ जाती है। इस तरह से हर इंसान अगर सिंसियर हो, टीम वर्क को लेकर चले, अपने आप को अपने पेशे के साथ, अपने ताल्लुकात के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ काम करे, सिंसियर होकर, तो हर इंसान अंदर से भी पॉजिटिव और बाहर से पॉजिटिव होकर माशरे को पॉजिटिव कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं मोहम्मद सरफराज इस्लाम जमात अश्तम यूट्यूब। हमारे पास टॉपिक था ला इलाहा इल्लल्लाह नाज़िम, जो कि अलामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी। उसके हमने लास्ट टाइम शॉर्ट क्वेश्चन किए थे और तशरीह नंबर एक की थी और उसके साथ मज़मून किया था हमने, क्या था पहला नेज। आज भी हमारे पास तैयारी है, इसका मुख्य सवाल आप सवाल नंबर है जो कि इसी चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है,
तशरीह नंबर दो करेंगे हम और मज़मून जो है कहते हैं उसको हम मुकम्मल करेंगे। तो मुख्य सवाल आप प्लस तशरीह के साथ साथ हम सबसे पहले कहते हैं उनका जो मज़मून है इसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब कर लिए गए, यहाँ तक हमारा पहला निश था। इसके आगे हम मजीद कंटिन्यू करते हैं इसको बकिया निश। आप रहमतुल्लाह ने हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को एक झंडे तले जमा किया और मुसलमानों के लिए एक आज़ाद हुकूमत का मुतालबा किया। 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग का एक यादगार इजलास हुआ जिसमें कैदर ने उसकी सदारत की। हिंदू ने मुसलमानों के इस मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया और मजाक उड़ाया। हजारों किस्म की रुकावटें पैदा की गई लेकिन कैदर अपनी धुन के पक्के थे। वह अपने इरादे पर पहाड़ की तरह डटे रहे। आखिर अंग्रेज को पाकिस्तान का मुतालबा कबूल करना पड़ा और इसी तरह 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मौरिस वजूद में आया। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह से पहले गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए। आप रहमतुल्लाह ने मुल्क और कौम के लिए सख्त मेहनत की जिससे आपकी सेहत खराब होगी। 11 सितंबर 1948 को आप 73 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए। आप अगरचे हम में से नहीं लेकिन आपकी जो मेहनत है आपका जो कारनामा है तारीख के सुनहरी हरूफ में वो लिखा जाएगा। तो ये था हमारा कायदे आज़म का जो मज़मून जो आज हमने कंप्लीट किया इसी टॉपिक में। लास्ट टाइम हमने हाफ किया था और अगला रिस्क आज हमारे लिए हमारा कायदे आज़म का जो मज़मून ये कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ हम आते हैं मुख्य सवाल है और तशरीह नंबर दो पे। पेज नंबर है हमारे पास 18 जिसपे तशरीह नंबर दो लिखी हुई है। तो ये आप अपने पेज ओपन कर लें नोट्स के। शेर नंबर दो है, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, सरम कला है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। नज़्म का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह, शायर का नाम अलामा मोहम्मद इकबाल। इस शेर में अलामा इकबाल रहमतुल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत आला तलमीह इस्तेमाल की है। आप ये बताना चाहते हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो हर तरफ शिर्क ही शिर्क था। एक खास बुतखाना था जिसमें जाकर लोग बुतों के सामने इबादत करते थे, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अकेले ऐलान हक किया, एक मबूद अल्लाह के होने का ऐलान किया। इस मिशन से हटाने के लिए आप अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया, मगर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तौहीद का प्रचार करने से बाज ना आए। शायर कहते हैं कि आज का इंसान मुकम्मल तौर पर मादा प्रस्त बन चुका है। आज फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा कोई ऐसा शख्स पैदा हो जाए जो हर किस्म की मुखालफत की परवाह किए बगैर अल्लाह की तौहीद का प्रचार करने वाला हो। ये थी हमारे पास तशरीह नंबर दो जिसकी हम अभी पढ़ रहे थे। आप हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक जो कि है मुख्तर सवाल नंबर है, ये है पेज नंबर 21 पे। व्हाइट बोर्ड पे भी आपको नजर आ रहा होगा नज़्म के आखिरी शेर में अलावा इकबाल ने मरते मोमिन को क्या पैगाम दिया है। नज़्म के आखिरी शेर में डॉक्टर अलावा मोहम्मद इकबाल ने मरते मोमिन को हर हाल में तौहीद पर कायम रहने और उसका प्रचार करने का पैगाम दिया है। हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन और नीचे हम मैनेज किया हुआ है HW इट्स मीन कि ये वाला जो क्वेश्चन है आप बच्चों ने होमवर्क करना है। नज़्म के आखिरी शेर में अलामा इकबाल ने मरते मोमिन को क्या पैगाम दिया, ये आपका एच वर्क है। एच वर्क करने का तरीका आपको पहले भी बताया हुआ है, नीट एंड क्लीन करना है, साफ सुथरा करके इसको लिखना, जितना हो सके थैर अच्छे से करें। इसके साथ क्या होगा आपकी लिखाई में भी बेहतरी आएगी और कोई भी ऐसा लफ्ज जो आपको मुश्किल लग रहा हो तो उसको बार बार लिख कर उसकी मस्त करें ताकि आपकी राइटिंग में भी निखार पैदा हो, इमला की जो गलतियाँ हैं वो भी कम हो। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप ये टॉपिक अच्छे से याद करेंगे। वस्सलाम।